गुड इवनिंग हिमाचल। नगर निगम शिमला सफाई व्यवस्था के बड़े बड़े दावे तो करता है, लेकिन धरातल पर कुछ और ही है। शहर के कई क्षेत्रों के अलावा मुख्य बाजारों में भी कूड़े के ढेर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। शुक्रवार को शिमला की सब्जी मंडी में खुले में फेंके कूड़े की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मंडी में आने वाले लोग नगर निगम शिमला पर कई सवाल उठा रहे थे। उधर व्यापारियों ने भी यही आरोप लगाया कि अक्सर यहां पर कूड़े के ढेर बदबू फैलाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। बावजूद इसके वहां से कूड़ा करकट समय पर नहीं उठाया जाता है। बता दें कि हर बार भारत सरकार की स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप पर आने को लेकर बड़ी तैयारियों की बात निगम की ओर से की जाती है, लेकिन अगर शहर में इस तरह से गीला व सूखा कूड़ा खुले में फेंका गया तो स्मार्ट सिटी शिमला कैसे स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप करेगा। चौक बाजार सोलन में शुक्रवार को ऐसी घटना हुई जिसे देखकर सब अचंभित रह गए। हुआ यूं कि नगर निगम कर्मी कूड़ा उठाने नहीं आए, जिस पर अपनी नाराजगी जताते हुए एक स्थानीय दुकानदार ने वहां पड़े कूड़े को सड़क के बीचों बीच बिखेर दिया, जिससे आसपास बदबू फैल गई। स्थानीय दुकानदारों ने मांग की है कि चौक बाजार में पड़े कूड़े को उठाया जाए व नगर निगम के कर्मी रोज कूड़े को उठाने आए। मेरा नाम आशु कुमार है और मैं यहाँ सब्जी दुकान पर काम करता हूँ। आप जैसे जैसे कि आप देख रहे हैं, आप कूड़े का ढेर है पूरा लगा हुआ और कूड़े वाले सुबह आए, लेकिन उन्होंने कूड़े उठाया नहीं। अब ये पूरा ढेर ऐसे रहेगा, पूरा दिन से ये ढेर ऐसे ही है। अब ये भैया ने इसको कूड़े को बिखेर दिया, लेकिन उन्होंने ये सही मेरे हिसाब से बिल्कुल सही किया, क्योंकि इनके दुकान के आगे कूड़ा रोज ऐसे रहता है। अरे वन वैसे कूड़ा उठा लेते हैं, लेकिन आज एक गाड़ी आई, लेकिन उन्होंने कूड़ा उठाया नहीं, ना और वो वापस आए थे। शिमला के कुफरी में डॉप्लर रडार शुरू हो गया है। शुक्रवार को मौसम विज्ञान केंद्र के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वर्चुअल रडार का शुभारंभ किया। इस रडार के शुरू होने से मौसम के पूर्वानुमान की सटीक जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, मौसम विभाग द्वारा जिला में हर एक घंटे का फोरकास्ट भी जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के राज्य महामंत्री व वूलन फेडरेशन के उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर शुक्रवार को ऊना पहुंचे, जहां पर उन्होंने डीसी व एसपी से मुलाकात कर भेड़ पालकों की समस्याओं से अवगत करवाया। त्रिलोक कपूर ने कहा कि भेड़ पालक लंबे समय से जिला ऊना में आ रहे हैं, लेकिन कुछ समय से भेड़ बकरियों की चोरी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं पर लगाम लगे, इसके लिए दोनों अधिकारियों से मामला उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं भेड़ पालकों के साथ ना हो और शरारती लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हो, इसको लेकर कठोर कदम उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि यदि भेड़ पालकों के साथ इस प्रकार की घटनाएं ना रुकी तो आने वाले समय में भेड़ पालक परेशानी के आलम में आ जाएंगे, ऐसे में उनके हितों की रक्षा करना जरूरी है। आज हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे ऊना के अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता भी साथ थे। आज हमने विशेष तौर पर ऊना के डिप्टी कमिश्नर और ऊना के पुलिस अधीक्षक दोनों अधिकारियों से हमने बड़ी लंबी बातचीत की कि ये जो बार बार भेड़ बकरियों की चोरियां हो रही हैं, इसके लिए कोई योजना बनाई जाए ताकि समय रहते इस पर जो है विराम लग सके, क्योंकि भेड़ पालकों के अंदर एक भय पैदा हो गया है कि अगर इस दिशा में अगर कदम नहीं उठाए तो एक दिन ऐसा आएगा कि भेड़ पालक इस धंधे से बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। मुझे प्रसन्नता है कि दोनों अधिकारियों ने पूरे उत्साहवर्धक हमें पूरा विश्वास दिया है कि हम बड़ी जल्दी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और जो भी इस तरह की द्वारा से जो इस दिशा में कोई अगर दुस्साहस करने का प्रयास करेगा उसको जो है वो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। देहरा में आज लोक संपर्क विभाग द्वारा लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया गया। विभागीय कर्मी ने एक स्वाग और लोगों को आकर्षित करने वाली ड्रेस और कार्टून वाली ऐनक लगाकर भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क के बिना न जाने को कहा। वहीं बिना मास्क वालों को दुकानदारों से सामान न देने की भी वकालत की गई। We'll be right back.
विधानसभा क्षेत्र ऊना के तहत रायपुर सहोड़ा गांव की सरकारी जमीन बाहरी व्यक्ति को आवंटित करने पर ग्रामीण खफा हो गए हैं। शुक्रवार को ऊना सदर के विधायक सतपाल सिंह रायजादा के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने डीसी ऊना राघव शर्मा से मिलकर आचार संहिता के दौरान किए गए भूमि आवंटन को रद्द करने की मांग उठाई। इस अवसर पर गांव की प्रधान पूजा सहोड़ व पूर्व प्रधान रविन्द्र सहोड़ भी मौजूद रहे। विधायक सतपाल सिंह रायजादा ने कहा कि रायपुर सहोड़ा की सरकारी जमीन को बाहरी गांव के एक व्यक्ति को दे दिया गया है। इसके लिए ना तो पंचायत से किसी प्रकार की अनुमति ली गई और ना ही इस बारे में चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि पटवारी ने सरकारी जमीन आवंटित करने के साथ साथ महतपुर के एक व्यक्ति को कब्जा तक दे दिया, जबकि पंचायत को इसकी कोई सूचना नहीं दी।